हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पर चलेगी। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को एल्स्टॉम कंपनी ने बनाया। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का पहला सेट 7 मई को गुजरात के वडोदरा के सावली में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से NCRTC यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दिया है। दोस्तों, NCRTC भारत का पहला रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम तैयार कर रहा है, जो कि रेल बेस्ड हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रीजनल कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है, जिसकी स्पीड 160 से 180 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी और लगभग हर 10 किलोमीटर में इसका रेलवे स्टेशन आएगा, जिससे इसका एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन काफ़ी फास्ट होगा, जिससे इसकी एवरेज स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर तक होगी। और दोस्तों, इसकी जो डिज़ाइन है वो लोटस टेंपल पर बेस्ड है, जो कि दिल्ली में है। दोस्तों, जहां अभी दिल्ली से मेरठ तक के सफ़र में 1.5 घंटे लगते हैं, वहीं इस ट्रेन से लगभग 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। और ये ट्रेन लगभग 8 लाख लोगों को डेली एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। इससे दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा और इससे होने वाले CO2 एमिशन में हर साल लगभग 2.5 लाख टन की कमी आएगी। इस ट्रेन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है, जिससे ब्रेक लगाते टाइम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दोस्तों, मॉडर्न RRTS ट्रेन में पैसेंजर के हिसाब से बैठने की जगह, सामान रखने की जगह, CCTV कैमरे, हर सीट पर लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, मैप और सेल्फ कंट्रोल लाइट, ट्रेन के अंदर के कॉरिडोर को भी काफ़ी चौड़ा किया गया है और साथ ही खड़े होकर ट्रैवल कर रहे लोगों के लिए कंफर्टेबल हैंडल लगाए गए हैं। दोस्तों, RRTS ट्रेनों में 1 स्टैंडर्ड के साथ साथ हर ट्रेन में एक प्रीमियम क्लास कोच भी होगा, साथ ही एक कोच लेडीज़ पैसेंजर के लिए रिजर्व होगा। इस ट्रेन को उस रूट की ज़रूरत के हिसाब से 4 और 6 कोच लगाकर चलाया जाएगा। दोस्तों, प्रीमियम क्लास के कोच ज़्यादा बड़े और आरामदायक होंगे। प्रीमियम क्लास के कोच के टिकट का प्राइस नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन दोस्तों अभी तक दोनों क्लास का किराया तय नहीं किया गया है। इस ट्रेन में लगा विजुअल और ऑडियो सिस्टम अनाउंसमेंट के जरिए आने वाले स्टेशन, लास्ट स्टेशन और ट्रेन की स्पीड के बारे में जानकारी देगा। ज़रूरत के हिसाब से इस ट्रेन के हर गेट पर पुश बटन लगे होंगे, इससे हर स्टेशन पर सभी गेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे काफ़ी बिजली की बचत होगी। दोस्तों, ट्रेन के आने के बाद इस साल के आखिर तक साहिबाबाद दुहाई पर शुरुआती ट्रायल रन शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन को 2023 तक और पूरे कॉरिडोर को 2025 तक चालू करने का टारगेट है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।